हेलो व्यूअर्स, अगर आप केंद्रीय विद्यालय के क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसे आपको पहले से तैयार रखना चाहिए जिससे एडमिशन के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। भाई, जानते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन सी चीज़ें हैं जो एडमिशन के समय पर तैयार होनी चाहिए जिससे आपको उस समय आसानी रहे? इसमें सबसे पहला है आपका पर्सनल फ़ोन नंबर, दूसरा है आपका ईमेल आईडी, तीसरा है उस बच्चे का फ़ोटो या फिर स्कैन की हुई कॉपी जो कि 256 KB में JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए जिससे कि उसे अपलोड करते समय दिक्कत ना हो। चौथा है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो 256 KB में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में या फिर PDF फॉर्मेट में। इसमें अगला है माता पिता के स्थानांतरण का विवरण जिनकी सेवा श्रेणी का आवेदन पत्र में उपयोग किया गया है। और इसमें अगला है कि अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और गरीबी रेखा से नीचे हैं यानी EWS या फिर BPL वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं तो सरकार द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र है उसे लगाएं। इसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, और अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसका प्रमाण पत्र भी स्कैन कराकर PDF फाइल में सेव कर लें। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें पहले से तैयार होंगी जैसे अभी बताई गई हैं तो फॉर्म फिल करते समय आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना होगा और आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आप पहले से तैयार कर लेंगे जिससे कि जैसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से नोटिफिकेशन आए तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक की